आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे हम कोई बॉडी ले लें और उसको सीधे ऐसे वर्टिकल फेंके तो क्या होगा, वर्टिकल से ऊपर से आकर नीचे गिरेगी बॉडी। आपकी इमेज को बड़ा कर दें हम, हाँ अब अपनी छोटी कर दें, नहीं ठीक है ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऐसे फेंकते हैं, हमको ध्यान से देखिएगा, अगर बॉडी को सीधे हम फेंकते हैं तो क्या होगा, बॉडी वहीं पे आकर के गिर जाएगी। तो हम ये कहेंगे बॉडी ने एक वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर की लेकिन आगे नहीं बढ़ी वो, यानी उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं की। यानी कि एक चीज और देखिएगा, जब बॉडी ऊपर जा रही थी, ये विजिबल है ना, अच्छा जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो उसमें एक्सेलरेशन था, उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही थी और एक एक सर्टेन हाइट पे जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, जीरो, और वहां से वापस लौट के आई है, नीचे गिर गई है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन बॉडी में था, बॉडी ने एक वर्टिकल हाइट कवर की लेकिन उसने कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं की। तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है, वर्टिकल मोशन कहलाता है। अच्छा, मैंने ग्राउंड पे एक बॉल ली और बॉल को ऐसे जो है जो लुढ़का दिया और बॉल यहां पर जाकर के ऐसे ऐसे आगे जाकर यहां पर थोड़ी दूर जाके रुक गई, यहां उसको हमने यू वेलोसिटी दी है लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो भी हो अलग की बात है, फिलहाल एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, जैसे हमने कहा रुक गई तो मे भी एयर फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी तो ही कहीं ना कहीं, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि रास्ते में कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। तो दो चीजें आप समझ लीजिए कि वर्टिकल मोशन जब बॉडी में होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा और हॉरिजॉन्टल मोशन की हम जब बात करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। अब जरा देखिए, अगर हम बॉडी को थोड़ा सा वर्टिकल से कुछ एंगल पे फेंके ऐसे तो क्या होगा, बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे आकर के गिर जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी अगर उसको डेफिनेशन के रूप में लिखें तो आप कह सकते हैं जब बॉडी को वर्टिकल से हट के किसी और डायरेक्शन में फेंका जाता है देन इट विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन और दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और इसको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब जरा दो बातें और समझिएगा। देखिए, अगर आप किसी बॉडी को, अभी हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल फेंके वर्टिकल फेंके, हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है, हम सीधे बात कर रहे हैं। तो अगर बॉडी यहां पहुंची तो कहने वाले ये कहेंगे कि भाई बॉडी ने ये हाइट कवर की है ऊपर की तरफ और ये विजिबल है ना, व्हाट आई एम राइटिंग, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। यानी इसके पास दो प्रकार की वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। एक वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है और एक वेलोसिटी इसको आगे ले जा रही है, आगे लेके जा रही है। अच्छा, थोड़ी देर बाद बॉडी यहां पहुंच गई तो आपने कहा ये हाइट अब हो गई h1, ये हो गई डिस्टेंस x1। यानी बॉडी की हाइट भी बढ़ रही है, बॉडी की डिस्टेंस आगे की बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो एक ही है, वेलोसिटी तो हमने ऐसे दी है इसको। तो इसका मतलब उस वेलोसिटी के दो इफेक्ट हैं, एक वेलोसिटी उसको आगे ले जा रही है और एक वेलोसिटी उसको ऊपर ले जा रही है। तो आगे ले जाने वाली यानी हॉरिजॉन्टल ले जाने वाली वेलोसिटी है ux, अगर ये थीटा मान लें और ये u वेलोसिटी मान लें, और ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी है uy। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको कि हम कहेंगे u cos थीटा और ये वर्टिकल वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे u sin थीटा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिएगा। लेट अ बॉडी इज मूविंग, आवाज क्लियर पहुंच रही है आप तक,
अच्छा, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलासिटी यू, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलासिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। पहले समझिएगा, देखिए आपने इस बॉडी को ऐसे मूव कराया तो ये ऐसे जाएगी और यहां आके गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे बॉडी यू वेलोसिटी फेंकी गई, ये इसका थीटा है और यू एक्स इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी एंड यू वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लिखिए नीचे, यू एक्स इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड यू वाई इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यू एक्स इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड यू वाई इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेयर यू एक्स इज व्हाट, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कह सकते हैं एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब जरा समझिएगा, हमको इसका पाथ निकालना है। देखिए बॉडी कहां से चलना शुरू हुई है, ओ से। हमने कहा आफ्टर टाइम टी बॉडी पहुंच गई पी पॉइंट पे, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, हमने वेलोसिटी क्या मान लिया, वी। यहां पर वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा, मैंने उस एंगल को क्या मान लिया, बीटा। यहां पर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इस पी पॉइंट पर, ठीक है। हमें इस कंपोनेंट से मतलब नहीं है, केवल हम बता रहे हैं आपको। देखिए जब यहां बॉडी पहुंची है तो हमने कहा कि इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर की है, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर की है, यानी टाइम सेम है। लेकिन तो आगे लिखेंगे लेट आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बॉडी रीचेस टू पॉइंट पी, बॉडी रीचेस टू पॉइंट पी, कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस वाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस वाई। अब देखिए यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दो चीजें हमने बताई हैं। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन काम नहीं करता, बार बार मैं बता रहा हूं, जब भी मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल मोशन आप दिमाग लगा दीजिए, वहां एक्सीलरेशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, लेकिन हर बार आप बताएंगे एक्सीलरेशन होता है, अभी मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। और वर्टिकल में जी काम करता है, वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार है बॉडी को आगे ले जाने के लिए। तो हम दो प्रकार के मोशन लेते हैं, पहले हम ओ से पी तक बॉडी को ले जा रहे हैं और उसके हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम कहेंगे कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू पी। अब हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या गिवन है, एक तो मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है यू कॉस थीटा, एक हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम है एक्स, और एक हमको हॉरिजॉन्टल टाइम मालूम है टी, हॉरिजॉन्टल टाइम मालूम है टी, टाइम मालूम है टी, हाँ वही मैंने जानबूझ के हॉरिजॉन्टल बोला है। अब आपके पास डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और टाइम है, किस इक्वेशन से इसको रिलेट करेंगे, इनका एक इनको एक, हाँ हमने कहा था आप बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, हमने कहा था आप कंफ्यूज होंगे, हाँ इसीलिए हमने बोला था। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या है एक्स, वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, टाइम क्या है टी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई एक्स अपान यू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अच्छा अब बात वर्टिकल की करते हैं, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू पी, जाना तो यही से यही तक है। कहने वाले कह रहे हैं कि आप यहां से यहां पहुंच गए साहब, और कहने वाले कह रहे हैं कि आप यहां से यहां पहुंच गए के साहब, लेकिन हम यहां से यहां पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की और वर्टिकल भी कवर की है। अब देखो वर्टिकल मोशन में क्या क्या गिवन है आपको,
वर्टिकल मोशन में एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी है, इसको भी यू वाई कह सकते हैं, यू साइन थीटा। वर्टिकल हाइट एच गिवन है, जिसको कि आप वाई कहेंगे, और टाइम दिया है टी। हां, एक्सेलरेशन यहां काम कर रहा है, जिसको कि कहेंगे माइनस जी। तो कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए दो चीजें हैं, हम पहले से माइनस लगा दें तो हो सकता है ये भी सही है, या मैं बाद में माइनस लगा देता हूं एक ही जगह। तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू जब लिखेंगे तो आप यहां यू वाई लिखेंगे। यू कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट जो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एच इज वॉट वाई, यू इज वॉट यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, यानी एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो आपको टी को गायब करना पड़ेगा। कहां से गायब होगा, बाई क्वेश्चन वन, टी को यहां रख दे तो आप लिखेंगे बाई क्वेश्चन वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग रॉन्ग वर्ड होता है लेकिन हम मैथ में चलता है, फिजिक्स मैथ में वाई इज इक्वल टू, हाँ रॉन्ग वर्ड होता है, नहीं मालूम आप पुटिंग वर्ड यूज करते हैं। देखिए रॉन्ग क्यों होता है, पुटिंग का मतलब होता है कि मैंने ये बॉडी पुट करनी, यहां से हटाओ यहां रख दो, यहां बचनी नहीं चाहिए, यानी आपने अपने यहां से उठाया इसको, यहां पुट कर दिया, तो यहां पर जहां थी वहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको यहां रख रहा हूं, इतना पार्ट में चाकू से काट लूं और काट के वहां रख दूं, यहां से गायब हो जाए, वो पुटिंग होता है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग हमने बताया। इसलिए कभी कभी जब बहुत आप बड़े उसमें जाएंगे, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो वहां पर भी हर एक चीज मार्क की जाती है। देखिए टी की वैल्यू हमने क्या रखी है, एक्स अपान, ये यहां विजिबल हो, बहुत कॉर्नर में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारी छोटी वो आ रही है स्क्रीन, आपको हम बड़े में किए हुए हैं, और माइनस में नीचे लिख देता हूं हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए यू और यू कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी क्या होता है अभी हम बात करेंगे, समझ में आ गई बात, नोट डाउन दिस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये तो हो गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। जहां पर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखा है आपने, ये है आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। देखिए ध्यान से, यहां पर आपने क्या देखा कि x और y का जरा रिलेशन देखिए, आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है जितनी स्पीड से आप फेंक सकते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम ऐसे फेंक देंगे, ये धीरे से नहीं चलेगा, पूरी ताकत से फेंकिए आप। हाँ, एक्स और वाई चेंज हो रहा, देखो एक्स की डिग्री क्या है मैक्सिमम टू और वाई की डिग्री क्या है वन, तो आप लिखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, एक्स इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड वाई इज लीनियर। अब मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाया जाएगा इलेवेंथ में, तो वहां पढ़ाया जाएगा पैराबोला, सो इट्स पाथ इज पैराबोला, सो इट्स पाथ इज पैराबोला, पैराबोला कैसे बनता, पढ़ाया गया आपको पैराबोला, हां ये पैराबोलिक ऐसे होता है या ऐसे होता है, पैराबोलिक होता है, उसके बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। अब अच्छा देखिए, ये तो यहां फिजिक्स में खत्म हो गया, पैराबोला हो गया, लेकिन यही चीज जब कंपटीशन में आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के लेवल पे, तो चूंकि फिजिक्स में मैथ जुड़ जाएगी ना, तो पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा, यानी पैराबोला में जो जो हो सकता है वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल फिजिक्स से आपसे मतलब इसको नहीं है। तो ये तो हो गया व्हाट इज पाथ ऑफ पैराबोला, सॉरी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब लिखिए तभी पैराबोला, देखिए पैराबोला मैं बता देता हूं, देखिए ये चार इक्वेशन पैराबोला के होते हैं ना, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, यानी वाई की डिग्री इवन है। देखो कोई भी कर्व आपको दिया हो, जब पहचान समझिएगा, अगर उसकी वाई की सभी डिग्री इवन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक होगा,
एक्स के जैसे उधर होगा वैसे इधर होगा, यानी ये एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है। अगर यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स होगा तो वो ऐसा बनेगा पैराबोला। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसका, मतलब यहां जितने आपको कर्व पढ़ेंगे मैथ्स में वहां पर सबके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे। जैसे लाइन का आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वैसे कोनिक सेक्शन में ये सभी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे आपके, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, देखो यहां एक्स फोर ए वाई, यहां एक्स क्वाड्रेटिक है, तो ये पैराबोला जो होता है वो ऐसा होता है, और जब माइनस फोर ए वाई होगा तो पैराबोला नीचे बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करता हूं तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना यहां पर, अगर इसको मैं पॉजिटिव करता हूं तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो वो माइनस इधर जाएगा ना। तो आप क्या देखें, एक्स का क्वाड्रेटिक पार्ट पॉजिटिव हो गया और वाई का पार्ट निगेटिव हो गया, तो पैराबोला नीचे बना नहीं बना, तो ये तो आपका पैराबोला आयसद बन रहा है यहां पर। तो ये चूंकि यहां मैथमेटिक्स प्योरली नहीं ली गई है, फिजिक्स की बात हो रही है, इसलिए वहां हल्का सा बता दिया गया है। बातें बताई जाएंगी, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ तो बॉडी यहां से आकर के यहां गिरी तो टाइम कितना लिया, पहली चीज, यहां से यहां गिरी तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई, दूसरी चीज, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर की। तो अगला पॉइंट है आपका फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, फ्लाइट टाइम कहिए या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहिए। फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये फ्लाइट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। साफ साफ दिख रहा है कि भाई नाम से लग रहा है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज नोन एज फ्लाइट टाइम, तो ये यही हो गया फ्लाइट टाइम। तो हम दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, अब डायग्राम वही बनेगा लेकिन दोबारा बनाएंगे इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे के प्रूफ के लिए कर रहे हैं। देखो ये बॉडी यहां से गई और यहां पे आकर के गिर गई, ओ से गई, यहां से यू वेलोसिटी से गई थीटा एंगल पे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था। तो जो पहले की लैंग्वेज आपने लिखी है ना कि लेट बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, ये पूरा लिख लेंगे इसमें भी। अब देखिए, दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट। देखिए ग्रेविटेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगता है, नहीं एक मिनट पूरी बात हमको करने दो, किसी बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में वापस लौट के आती है, पहली बात समझ गई। तो यानी कि अगर मैं ये मान लूं ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ओ से लेकर के पी तक जाने में जो भी टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको यहां से लेकर के यहां तक आने में लगेगा। तो मैं ओ से पी तक के बारे में बात कर लेता हूं और उस टाइम को डबल कर देता हूं, यही तो मैं कर सकता हूं। मतलब पहले लॉजिक समझिएगा, कह क्या रहा है ये, कैसे हम क्वेश्चन लगाएं। तो देखिए, जब यहां पर बॉडी थी तो बॉडी आगे भी बढ़ रही थी और ऊपर भी जा रही थी, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट बॉडी को आगे ले जा रहा था और एक कंपोनेंट बॉडी को ऊपर ले जा रहा था। जब यहां हम पहुंच गए, जरा यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हमने कहा एक चीज और, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी समझ रहे हैं, चलिए भैया। खैर देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये कितनी थी यहां पर ux, तो यहां भी कितनी होगी ux ही होगी। अगर आपने vx लिख दिया तो लिखेंगे vx इज इक्वल टू ux। अच्छा, यहां वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, ये जीरो होगी। तो दो चीजें मुझे मालूम हो गई, यहां की वेलोसिटी हमको मालूम हो गई, कौन सी वेलोसिटी मालूम हो गई, वर्टिकल। तो यहां से लेकर के यहां तक का वर्टिकल मोशन ले ले, क्योंकि हमने मान रखा है पी इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप लिखेंगे फॉर द वर्टिकल मोशन, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी। देखो ध्यान से, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है यू साइन थीटा,
फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है जीरो, और यहां से यहां तक का टाइम मुझे मालूम है टी, चूंकि टाइम ही निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, इसको रिलेट करिए, किस इक्वेशन से करेंगे लगा दीजिएगा बाई इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, आपने सही बोला, प्लस ए टी एक जगह माइनस जी लिख देंगे हम। देखिए हाँ, जैसे आप टीचर से कहीं प्लस ए टी, और जैसे नजदीक आके डांटे बोले ए इज इक्वल टू माइनस जी, हट चेंज कर दिया अपने आपको, ए इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये वी वाई, ये यू वाई, क्योंकि हम कौन सा कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये जीरो हो गया, यू हो गया यू कॉस थीटा माइनस जी, सॉरी यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपान जी। ये टाइम कहां से कहां तक है, फ्रॉम ओ टू हाइएस्ट पॉइंट, हाँ ओ टू हाइएस्ट पॉइंट पी, लेकिन मुझे तो पूरा फ्लाइट टाइम चाहिए, और हमने कहा फ्लाइट टाइम क्या होता है, यहां से यहां तक इसका डबल होगा। तो जब हम बात करेंगे फ्लाइट टाइम की, फ्लाइट टाइम की, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी, टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम ओ टू पी, तो दैट इज टू यू साइन थीटा अपान जी, ये फ्लाइट टाइम होती है। समझ में आ रहा होगा, वो टेक्निकल चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा, नोट करिए। अच्छा अब लिखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ हाँ ठीक है, लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, आपकी टोटल हाइट है यू, पूरा जो इक्वेशन आपका है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यू मतलब यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी, इसको लिखिए एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ये हाइट है ना, ये कोई भी हाइट हो सकती है, और जब जब हम टी को ले रहे हैं कैपिटल टी, यानी बॉडी यहां से यहां पे आ गई, तो हाइट कितनी हो गई, तो आप कहेंगे साहब ये तो इधर से इधर आई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, आप रास्ता कोई भी कवर करिए, हाइट आपको ग्राउंड से ही लेनी है, तो जब हाइट जब टी बराबर टी हो जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब हाइट को जीरो करोगे तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। देखिए कैपिटल टी यहां से कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल टी कॉमन ले लेंगे तो आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान कैपिटल अपान टू इज इक्वल जीरो। अब टी तो जीरो हो नहीं सकता, तो यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान टू इज इक्वल टू जीरो, तो टी विल बी टू यू साइन थीटा अपान जी, यही बोलना चाहते। अब देखिए, अब देखिए मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नाम से लग रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कह सकते हैं, अगर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बारे में बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉडी इन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब समझिएगा जरा ध्यान से, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी को आपने हाईएस्ट पॉइंट मान रखा है, तो यही हाइट आपकी है, तो इस हाइट को निकालने के लिए मेरे पास एक तो वर्टिकल हाइट निकालनी है, दूसरी बात मुझे वर्टिकल वेलोसिटी जो फाइनल है वो मालूम है, तो हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर लें, तो फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर द, जब ये टॉपिक आएगा तो पहले स्टार्टिंग की थ्योरी जरूर लिखेंगे, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मतलब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है डायग्राम के बारे में थोड़ा वो लिखेंगे जरूर। तो फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू
पी। देखिए जब वर्टिकल मोशन बारे में बात करेंगे तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा, वर्टिकल फाइनल क्या है, जीरो, और एस क्या है, कैपिटल एच। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? हाँ, टू जी एच। तो बाय इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच ही लिख दें डायरेक्ट। देखिए यहां v मतलब वर्टिकल, u मतलब वर्टिकल, हम y सफिक्स में लगा देते हैं उसको वर्टिकल शो करने के लिए। गलती से नहीं लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अंडरस्टूड है। वी वाई क्या है, जीरो, और ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। तो h की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो लिख लिया। अच्छा, तीसरी बात कि भाई अगर बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, वो जाके कहीं गिरी ग्राउंड पे, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीनों के लिए डायग्राम सेम रहेगा। आपकी बुक में जो डायग्राम बना होगा उसमें उन्होंने कई जगह वेलोसिटी शो की है, यहां भी की है, यहां भी की है, यहां भी की, कुछ जरूरत नहीं है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां हम शो करें। क्यों लगा, बना के यहां लगाओ अंदर हर चीज, नहीं अच्छी बात है, हर चीज दिमाग के अंदर होनी चाहिए, क्विक जब भी आपको जरूरत हो आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आपको बॉडी को यहां से यहां तक गिराना है तो कौन सा मोशन है ये कौन सी डिस्टेंस है, तो दो मोशन कौन सा लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल। तो फॉर द हमको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर मुझे कहा जाएगा डेफिनेशन तो हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप कहेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो लिख लीजिएगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the body during projectile motion is called range of projectile, range of projectile। अब देखिए हमको चूंकि O से body को O dash तक ले जाना है तो मोशन कौन सा लेंगे हम, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू ओ डैश, ओ से ओ डैश तक हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स है, यू कॉस थीटा, फाइनल हमने कुछ माना भी नहीं और मानेगी भी नहीं, वही रहेगी। आर आपका आर है, जो डिस्टेंस एस आपका आर है, और टाइम आपका फ्लाइट टाइम है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम है, आपको टाइम मालूम है, इन तीनों चीजों को रिलेट करिए इक्वेशन से। हाँ, हम सोचने वाले थे आप हाफ हेटी स्क्वायर लगाएंगे, अच्छा हुआ नहीं लगाया। हाँ, इसको कहते हैं टीचर को कंफ्यूज करना, उसने कहा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टीचर गुस्से में आई है, बोले एज इक्वल टू जीरो, एस आपने कहा हाफ एटी स्क्वायर, जैसे आप बोले माइनस जी, तो गलत नहीं है ना, सही बात है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी कौन सी लेंगे यूएक्स, और टाइम कौन सा लेंगे टाइम फ्लाइट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस आर हो गई और ux हो गया u cos थीटा, और टाइम अभी निकाल चुके हैं आप 2u sin थीटा अपॉन g। देखिए u और u मिल करके हो गया u स्क्वायर, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहां दो बातें हैं,
उन्हें आप स्पेशल केस में लिख लीजिएगा, या ये मैं रब कर रहा हूं अब डायग्राम, हाँ लिखिए स्पेशल केसेस। देखिए यहां दो बातें यहां पर आ रही हैं, समझिएगा। स्पेशल केस में, स्पेशल केस में हम चाहते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी हम चाहते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं, तो आप यहां पर वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब यह नहीं कि हम धीरे से फेंक देंगे, वेलोसिटी का मतलब होता है कि द वेलोसिटी विच यू कैन गिव, जो आप दे सकते हैं। अब यहां पर आइए साइन में, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए साइन जो भी आपका यहां पर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होनी चाहिए, और वन किस एंगल की वैल्यू होती है, यानी दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या आपने यहां देखा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने के लिए आपको किसी बॉडी को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे जो जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, या जो भाला फेंकते हैं, जो नहीं कोई चीज जेवलिन थ्रो वाला होता है, तो जेवलिन थ्रो वाले क्या करते हैं कि वो जब फेंकते हैं तो ऐसे 45 डिग्री पे लगा के ऐसे फेंकते हैं। उन्हें मालूम है, कभी आप अगर आपने कंप्यूटर गेम खेला हो तो उसमें जंप वाला भी एक होता है, उसमें तो जैसे एंगल उसमें सेट करना पड़ता है, जैसे वो लाइन पे पहुंचा मार्क लाइन पे तो आप एंगल सेट करते हैं। अब वो अलग की बात है, 45 की जैसे उंगली छोड़ोगे तब तक वो 60 हो जाता है, वो एकदम से जल्दी चेंज होता है, तो यानी 45 होना चाहिए। अब अगर मैं यहां साइन 2 थीटा 45 रख देता हूं तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपान जी। तो ये मैक्सिमम रेंज है जो बॉडी कवर करेगी, यू स्क्वायर अपान जी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपने 1 रख दी है, 45 डिग्री पे बॉडी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा और केस समझिएगा, आपका यहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, थीटा, नहीं वो तो एक अलग केस हो गया। जब भी हमने आर दिया है वहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, 45, सॉरी फिर आपकी बात बोल रहा हूं, थीटा था। अब मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर रहा हूं, ये आपकी आर की वैल्यू निकली थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। देखिए, हमने मान लिया कि लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपका है उसको हमने 90 माइनस थीटा कर दिया, हमने चेंज कर दिया 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है, जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करेंगे तो मेरे मन में यह बात तो आएगी कि रेंज चेंज हो जाएगी, तो नई रेंज क्या होगी भाई, अगर चेंज हो गई है तो नए तरीके से बॉडी किस रेंज में जाएगी, मैंने उस रेंज को आर वन मान लिया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा, ये हो गया अपान जी। अच्छा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यू स्क्वायर साइन एंगल बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपान जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, अपने आप माना, अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करता हूं तो क्या होगा भाई, अपने आप मैंने मान लिया, ठीक है उसका। अच्छा, आपने यही क्यों माना, ये मैं भी बता रहा हूं, मैंने अपने आप माना। तो हमने कहा भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में 90 माइनस थीटा मैंने लिया तो ये रेंज चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि तो थीटा आपने चेंज किया है, तो मैंने रेंज को क्या मान लिया, आर वन। और जहां पर फार्मूले में यहां थीटा लिखा हुआ था वहां लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा। जब मैंने ब्रैकेट खोला, चूंकि बर्थडे का कॉल आपको आया इसलिए आप खो गए हैं, कोई बात नहीं, केक वहां रख दिया जाएगा। अच्छा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर, आपको पढ़ाया गया होगा 180 प्लस 90 प्लस 90 माइनस ASTC पढ़ाया गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन कॉस टेन पढ़ाया गया ना, उसी से वही निकाल दिया है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, जरा इस फॉर्मूले को इससे देखिए, जरा कंपेयर करिए, सेम आ रही ना, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आ गई, सेम आ गई ना। तो आपने क्या देखा कि आप किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, रेंज विल बी द
सेम। यानी अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, किसी वेलोसिटी से किया, और वो मान लिया 30 मीटर डिस्टेंस पे गिरा, तो नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा बॉडी को सेम प्रोजेक्टाइल पे पहुंचाने के लिए? तो आप कहेंगे 90 - 60, यानी 30 होगा। ठीक है, तो ये दो बातें सब नोट करिए। अगर आपसे कहा जाए कि वी कैन थ्रो द बॉडी अप टू दैट डिस्टेंस, हम उस डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं, तो मैक्सिमम रेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं इसकी, जरा समझ लें। जैसे आता है कि मान लीजिए कि हम एक हमारे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ है, और हम उस बंदर को टारगेट करके यहां एक मान लिया, यहां बंदर ना बैठा लो, आदमी बैठा लो, ज्यादा ठीक रहेगा। आदमी आजकल बहुत बदतमीजी कर रहा है, इसी को पेड़ पे बैठा दीजिए, बैठ जा बेटा पेड़ पे। और हमने इसको यहां से बंदूक चलाई, और बंदूक चलाते ही मेरे गोली चलाते ही ये पेड़ से गिर गया, पेड़ को छोड़ दिया, या नहीं गिरा, दो बातें हो सकती हैं, या तो वो वहीं बैठा रहा या वो नीचे आ गया। दोनों केसेस में उसको गोली लगेगी, कब लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी, मतलब किस कंडीशन में लगेगी गोली? तो देखिए दो बातें हैं भाई, गोली जब जाएगी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी, तो अगर वो वहीं बैठा रहता है तो उसको गोली नहीं लगेगी, अगर वो छोड़ देता है तो यहां पर गोली लग सकती है उसको, इस केस में लगेगी। ये साइंस में पढ़ा दिया गया आपको, यही होता है। अब हम जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और जो बुक में लिखा होता वही हम पढ़ते हैं, वो मेरा ज्ञान है, बुकेश नॉलेज कहा जाता है। अब हम कहीं बैठे हुए हैं और किसी ने गोली हमको मारी, मम्मी ने कहा हट जाओ बेटा हट जाओ बेटा, हमने कहा नहीं भाई, एपी सर ने बताया था कि वहीं खड़े रहोगे तो गोली नहीं लगेगी। अब पता चला किसी को लग गई, तो पता चला अंदर हो गए एपी वाजपेयी, क्योंकि एपी वाजपेयी ने गलत नॉलेज दिया था। तो कुछ बातें और समझ लीजिएगा, गोली थोड़ी दूर तक सीधे भी चलती है, हल्की होती है, इसलिए जी का इफेक्ट थोड़ा सा, तो थोड़ी दूर बाद जाकर के कर्व होगी ना, तो ये जरूर नाप लिया जाए कि भाई वो टेढ़ी कब होगी। तुम्हारे आप पढ़ के गए हो, आपने किसी को बताया, कहें तुम हटना नहीं, तुम चिंता मत करना, गोली लगेगी नहीं तुमको, क्योंकि फिजिक्स में मैंने पढ़ा है तो यहां लग सकती है। खैर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अब जरा समझिएगा, ये फार्मूले एप्लीकेबल कब होंगे? ये फार्मूले एप्लीकेबल तब होंगे जब बॉडी ग्राउंड से जाएगी और ग्राउंड पे गिरेगी, ग्राउंड टू ग्राउंड ये जो है एप्लीकेबल होंगे। अगर बॉडी को किसी हाइट से आपने फेंका, किसी पुल से आप फेंक रहे हैं, किसी पेड़ से आप फेंक रहे हैं, तो ये फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोसेस यही लगेगा। तो अगर आप किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो न्यूमेरिकल लगेंगे कैसे, तो एक नोट करके लिख लीजिएगा अलग से स्पेशल केसेस, और वो हम बता देते हैं, न्यूमेरिकल में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए, देखिए फर्स्ट केस ये है कि हमने एक ये ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर हम ऊपर खड़े हुए, ध्यान से समझिएगा, हमने यहां से बॉडी को फेंका, हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं हम, मतलब ऐसे ब्रिज पे हैं और सीधे ऐसे टारगेट के फेंका, और ये ऐसे गई और नीचे जाके गिर गई, ये यहां पे आकर के यहां गिर गई। तो बॉडी ये ए बी है, बी से बॉडी गई है और सी पे गिरी है, और यहां से उसने एच हाइट कवर की है, रास्ता कोई भी वो कवर करे, हाइट वो एच ही कवर कर रही है, तो उसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास यूएक्स थी। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या इनिशियली उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है? नहीं है। तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वो बात सही है लेकिन जीरो है, लेकिन उसको बता दो नहीं है। कहना आपके पास पैसे हैं, बोले हैं, बैठ गए बोले पैसे, बोले हैं लेकिन जीरो थे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, उसको जीरो को नहीं मान लीजिए। यानी इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट उसके पास जीरो था, तो जब हम हाइट निकालेंगे, देखिए वर्टिकल चीज जब भी निकालेंगे, हमको अगर वर्टिकल हाइट निकालनी है या वर्टिकल हाइट का यूज करके टाइम निकालना है, तो मैं वर्टिकल मोशन लूंगा। मतलब वर्टिकल चीज हम निकाल रहे हैं या वर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन लूंगा, वहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिखूंगा। और अगर हमको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, कौन सा, यूएक्स। मान ली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, टाइम मालूम है,
या हॉरिजेंटल डिस्टेंस का यूज करके हमको टाइम निकालना है तो हम हॉरिजेंटल मोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने कहा कि सपोज करिएगा एक ब्रिज है और इसकी हाइट, मैंने ऐसे वैल्यू ले रहा हूं, 19.6 मीटर है और इस ब्रिज से दो लोगों ने या दो गोलियां हॉरिजेंटली दागी गई, एक 50 मीटर पर सेकेंड से और एक 100 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए दोनों गोलियां किस पथ पे चलेंगी? ये तो क्वेश्चन हो गया, ये पैराबोलिक चलेंगी। खैर, क्या ये अर्थ पे गिरेंगी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अर्थ पे गिरेंगी गिरेंगी, किसी खोपड़ी में थोड़े घुस जाएंगी। अब तीसरा है, अगर गिरेंगी तो कौन गोली पहले गिरेगी? अब देखिए ध्यान से, हम फर्स्ट बुलेट गिरा रहे हैं जो कि 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका 50 मीटर था और यहां से जाकर के वो यहां गिर गई। अब देखिए यहां से यहां तक टाइम निकालते हैं, हमको नहीं मालूम कौन सी गोली पहले गिरेगी, पहले मैथमेटिकली हम उसको प्रूव कर लेते हैं, फिर थ्योरी के हिसाब से समझेंगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही है। देखिए बी से सी तक हम हाइट का यूज करेंगे, तो हाइट चूंकि वर्टिकल है तो आप कहेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी या बुलेट कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू सी, ये यहां से यहां तक आई है ना बॉडी, तो कोई बात नहीं वो भी आप यूज कर सकते, हाइट वही रहेगी। तो हाइट कितनी उसने कवर की है, 19.6 मीटर, वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। टाइम आपको निकालना है, तो जब टाइम निकालेंगे तो h इज इक्वल टू ut माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू ut माइनस यानी प्लस सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u का मतलब यू आई, एच कितना हो गया 19.6, u तो जीरो हो गया, तो हाफ g हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आई है 19.6 इंटू 2 अपॉन 9.8, ये कितने टाइम जाएगा, टू टाइम्स, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गया, यानी ये बुलेट 2 सेकेंड बाद अर्थ पे गिरेगी। क्या मैंने यहां पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट का यूज किया? तो अगर 50 जगह 100 लिखी होती क्या फर्क पड़ता, यानी कि 50 जगह 100 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैथमेटिकल हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप थ्योरेटिकल कहेंगे साहब ये थ्योरेटिकल बात तो आप समझिए ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, ये नोट कर लिया आपने, देखिए होगा क्या कि जो 100 वाली, अच्छा ये गिरेगी कितनी डिस्टेंस पर, मान लेते हैं वो एक्स डिस्टेंस पे गिरेगी, अब मैं इसी बुलेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब बात करेंगे फॉर हॉरिजेंटल मोशन ऑफ बुलेट, इसी बुलेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, हॉरिजेंटल मोशन ऑफ बुलेट कहां से कहां तक, फ्रॉम वहीं से वहीं तक बी टू सी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा है आपको 2 सेकेंड और डिस्टेंस आपने एक्स मानी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, यानी कि ये 100 मीटर जाके गिरेगी। अब होगा क्या यहां पर, देखिए जो दूसरी बुलेट 100 से फेंकी गई थी या निकाली गई थी, वो जैसे ये 50 गई वो फट से 100 चली गई होगी, जितनी देर में 50 गई है उतनी देर में वो यहां पहुंच गई होगी और दोनों एक साथ मुड़ गई होंगी और यहां आके वो गिर गई होगी, यानी वो बुलेट जो दूसरी वाली थी वो इससे दूर गिरी, टाइम उतना लगा। कैसे, जरा समझिएगा, मान लिया कि हम जिस गली में रहते हैं उसी गली में आप रहते हैं या मेरे साथ ही रहते हैं, हमें दूसरी गली में हाइट वही सेम है, हमको हफ्ते से 50 मीटर दूर किसी घर पहुंचना है, तो हम और आप एक साथ निकले, हम पहली गली से मुड़ना है, हमको आपको दूसरी गली से मुड़ना है। अब मान लिया हम पहली गली की डिस्टेंस 50 है जहां से मुड़ना है, दूसरी गली की 100 है, तो आप एक सेकंड में हम जहां पहुंचे उतने सेकंड में आप सेकंड गली में पहुंच गए एक साथ और एक साथ दोनों मुड़ गए, और मुड़ते वक्त आपकी ये वाली वेलोसिटी काम नहीं दे रही थी,
यानी ये जो 50 और 100 है ये काम कहां तक दे रही है, जब तक आपने उस गली से मुड़ना नहीं है, और जैसे आपने गली के मुड़ गए वहां ये वेलोसिटी खत्म हो गई, फिर काम करेगा जी। तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी काम केवल डिस्टेंस ही वाली कवर करेगी ज्यादा, यानी सेकेंड बुलेट के लिए अगर हम बात करें फॉर सेकेंड बुलेट, तो अगर उसकी डिस्टेंस होगी तो 100 इंटू टाइम 2 सेकेंड ये 200 मीटर दूर गिरेगी, ये डिस्टेंस उसकी दूर हो जाएगी लेकिन टाइम वही रहेगा। तो ये इक्वेशन वही लगाया हमने, इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके जो हम इक्वेशन यूज कर रहे थे उसी से हमने डिराइव किया है कि वो वाले फॉर्मूले अप्लाई तभी करेंगे जब बॉडी अर्थ से जाकर के अर्थ में गिरेगी, ठीक है। हाँ, सेम लेवल से सेम लेवल जाएगी, लेकिन सेम लेवल से सेम लेवल वाले आपको क्वेश्चन यहां पर मैथ में भी नहीं बताए जाएंगे, इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। सेम लेवल का मतलब ये होता है कि ये पहाड़ है, ये स्लोप है पहाड़ का, यहां से जे गए और यहां पे गिर गए, तो ये वाले अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन वहां वेलोसिटी के कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये भी लेवल सेम हो जाएगा लेकिन यहां पर कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। आप वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं ना, लेकिन अब हम इसकी लेवल से वेलोसिटी लेंगे, हम मतलब फॉर्मूले वही अप्लाई करेंगे, लेकिन जो भी हम जी की वैल्यू लेंगे, जो भी हम वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे वो इस लेवल से लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला केस जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट की जाए तब क्या होगी। देखिए ध्यान से, अगर कोई बॉडी इस प्रकार से प्रोजेक्ट की गई, ये कोई ब्रिज है, कुछ भी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, और आप यहां से ऊपर की ओर ऐसे प्रोजेक्ट करके यहां लाते हैं, ये यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखिए यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि भाई पहले तो बॉडी यहां से यहां तक गई भी है, हाइट थोड़ा ज्यादा कवर की है, और फिर लौट करके आई है, तो ये वाला जो रास्ता है ये भी तो काउंट किया जाएगा। तो आपके दिमाग में जो आंसर वो तो सही आ रहा है जो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक देखिए, बॉडी यहां से गई है और यहां पे आ रही है, अल्टीमेटली ए से चली है और बी पे आई है, तो चूंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो यानी कि आप जब डिस्प्लेसमेंट की तरह वेक्टर की तरह सोचेंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हाइट तो यही यूज करेंगे आप, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब हम यहां से लेकर के यहां तक का वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन आप बॉडी को किधर की ओर लेके आ रहे हो, नीचे की ओर, और एक्चुअली बॉडी का जो कंपोनेंट है वो किधर की ओर है, तो आपको इनिशियल कंपोनेंट कैसे लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कोई ब्रिज है 40 मीटर हाई का, मान लिया है, मान लेते हैं 40 मीटर हाई का है, और कोई बॉडी मान लिया 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की ओर, तो बताइए यहां से यहां तक कितने टाइम में गिरेगा। तो आप टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन लेंगे, क्योंकि आप वर्टिकल हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर हाइट जो लेंगे वो तो 40 मीटर लेंगे, टाइम आपको निकालना है। वेलोसिटी जो लेंगे यू आई वो माइनस यू आई लेंगे, यानी माइनस 25 साइन 30 का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई, बॉडी किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना, जहां यू आई होगा वहां जी नहीं होगा ना, जी अलग केस में आएगा भाई, जी आपका यू आई टी के साथ आता है, जी अलग आता है, तो जी अपना अपने स्टेप में अपने घर में आकर के निगेटिव करेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर यू आई इंटू जी आ रहा होता तो जी को निगेटिव तब भी हम नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि बॉडी को हम नीचे लेके आ रहे हैं और नीचे ग्रेविटी ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, इसलिए आप वेलोसिटी को ही निगेटिव लेंगे। अच्छा, जहां वेलोसिटी होती वहां टी आता है ना, जी वहां नहीं आता है, तो जी को निगेटिव यहां नहीं लेंगे, तो आप लिखेंगे एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच मैं ऐसे वैल्यू रख रहा हूं, ऐसे इमेजिनरी वैल्यू हमने मानी है, तो ये माइनस 25 साइन 30 वन बाई टू इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके हम टाइम निकालेंगे,
अब क्वाड्रेटिक है उसको ध्राचार से यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्म जब कोई क्वेश्चन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स की वैल्यू निकालने का एक तो फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन, लेकिन अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तब क्या करेंगे आप? हाँ वही वही, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए, आपने पढ़ा होगा, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। दिस फार्मूला वॉज गिवन बाय श्रीधराचार्य, जो आपकी भारत के इंडियन मैथमेटिशियन है, यहां के जितने मैथमेटिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए, आचार्य हुए, आचार्य का मतलब वो जो ऋषि थे, मुनि थे, ऋषि थे वो अपनी जो है, अब उसको भाई उसमें एक्सपेरिमेंट लैब तो हुआ नहीं करती थी, वो अपनी योग शक्ति से, जो भी उनके पास शक्ति थी, उस शक्ति की हेल्प से वो ये सब फॉर्मूले बनाते थे। उन्होंने बहुत बड़ी बुक्स लिखी है और संस्कृत में लिखी है बुक्स, ये उनकी जो बुक है जिसने फॉर्मूला दिया उन्होंने संस्कृत के फॉर्म में दिया है, इसको बाद में फॉर्मुलेट किया गया है। अब कैसे लिखा होगा वो तो मैंने पढ़ा नहीं उनका, लेकिन संस्कृत में लिखा है उन्होंने। हैव यू गॉट दिस मेथड कि अगर बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाए तो कैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अब थर्ड केस है, अगर बॉडी नीचे की ओर फेंकी गई तो कैसे आप लगाएंगे? देखिए भाई, आप पुल पे बैठे हुए हैं और कोई नीचे से निकल रहा है, तो आपने कहा चलो कंकड़ मारते हैं, तो ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे उसके ऊपर? हाँ, जैसे कोई टीचर बहुत मारता है तो कहना अच्छा चलो रात में जा रहा देखेगा ना, जरा कंकड़ मार के देखते हैं क्या होता है, ऐसा लोग करते नहीं, कभी कभी कर भी देते हैं, मॉडर्न एरिया में कर देते हैं, मॉडर्न एज में। तो ये आपका एक वो ब्रिज है, यहाँ आप खड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे हैं, आप नीचे की ओर बॉडी फेंकते हैं ऐसे, तो ये आपकी वेलोसिटी है यू, थीटा एंगल बनाते हैं हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखिए बॉडी नीचे आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? तो तीनों के समझ में आ गए। तो ये प्रोजेक्टाइल का पूरा एक्सप्लेनेशन है।